सितंबर का महीना चल रहा है, मॉनसून खत्म होने की कगार पर है, लेकिन यूपी के कई शहर इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। सितंबर का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यूपी के दो प्रमुख शहरों वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वाराणसी में सभी प्रमुख घाट बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। भगवान शिव की नगरी काशी में माँ गंगा का पानी लगातार चढ़ रहा है। यहाँ हर रोज 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई सड़कों तक पानी पहुँच चुका है। गंगा के जलस्तर ने अब रिहायशी इलाकों का भी रुख कर लिया है। माँ गंगा का पानी दशमेध घाट, 80 घाट से होकर सड़कों की ओर रुख कर चुका है। गंगा का जलस्तर पिछले कुछ 2-3 दिनों से बढ़ा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई विकट स्थिति नहीं है। उसी का निरीक्षण करने के लिए कि कितना पानी किस स्थिति में है, और जो पटना सुरक्षा बांध है उसकी भी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए टीम के साथ जिला प्रशासन घूम रही है। यहाँ पे तो है इस समय पानी की स्थिति बाढ़ खतरे के निशान से बढ़ भी गया है, और बाढ़ आने की संभावना भी है, और हम लोग नाव पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं परिवार के साथ। कितने लोग परिवार के रहते हैं? हम लोग करीब 5 आदमी यहाँ पर हैं। हाँ, बाजार से मार्केट से ले आते हैं, अपना राशन पानी नाव पे बना खा लेते हैं। हम लोग तो अभी नाव लेके निःशुल्क सब लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो बाढ़ में पीड़ित लोग फंसे हुए हैं। किसी का घर का सामान डूब रहा है, बच्चे लोग हैं, सब छोटे से बड़े लेक को सबको बाहर कर रहे हैं। ये इस बार तो हमने देखा 2013 में जो बाढ़ देखा था, इस बार तो लग रहा है उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। चारों तरफ से इधर ही सुनो उधर ही बाढ़ का पानी निकल रहा है, खतरे से कम नहीं है, ज्यादा हो गया है खतरे से। धर्मनगरी काशी में जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। माँ गंगा के रौद्र रूप से लोग कांप रहे हैं, लोग अब माँ गंगा से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं। ये बाढ़ कई साल के बाद गंगा जी इस रूट पे आई है, और इसका अनुभव लगाना तो कठिन है, मगर जब से बढ़ाव शुरू हुआ है तब से अभी बढ़ी रही हैं। उम्मीद तो यही है कि ये गंगा जी और बढ़ेंगी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि सुबह से लेके अभी तक आधा फीट पानी आ चुका है। जो गंगा का जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। जो भी दर्शनार्थी देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं काशी देखने, यहाँ के घाटों को देखने, यहाँ की प्राचीनता को देखने, वो नहीं देख पा रहे क्योंकि सारे घाट जलमग्न हो चुके हैं। और सुरक्षा दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा नाव संचालन भी बंद करवा दिया गया है। इधर प्रयागराज में भी बाढ़ का कहर जारी है, माँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है, तो वहीं यमुना खतरे के निशान को छू रही है। बाढ़ की चपेट में झांसी का छतनाग शमशान घाट भी आ गया है। कुंभ मेले के दौरान करोड़ों के बजट से बनाए गए दोनों स्नान घाट बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू हो गए हैं। सितंबर में मॉनसून खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बाढ़ और बारिश से लोग बेहाल हैं। चित्रकूट में यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है, तो वहीं बलिया में भी बारिश अपना कहर बरपा रही है। मंगलवार को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लिया और जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ और बारिश से लोगों के आशियाने तक डूब चुके हैं, अपना घर बार छोड़कर वे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पहले तो मॉनसून में हो रही देरी से लोग परेशान थे, और अब जब मॉनसून अपने अंतिम चरण में है तो लोग तबाही से परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।